कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य तथा प्रशासन द्वारा कोरोना के आदेश का पालन करने को लोगों को कहा गया है, लेकिन आदेश का पालन नहीं किए जाने से कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हम सब ने एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है, ऐसी जानकारी डॉक्टर चांडक इन्होंने दी है। कोरोना को लेकर हालत बेकाबू हो गए, हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। इसी बीच जिले में 24 घंटे के भीतर 69 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 6188 हो गई है। इनमें सिटी के 40 और ग्रामीण के 33 मरीजों का समावेश है। जिले में कोरोना अब भयानक रूप दिखा रहा है। स्थिति यह है कि गली मोहल्ले के बाद अब घर घर में वायरस पहुंचने लगा है, लेकिन जो समय पर जांच कर औषधोपचार कर रहे हैं उनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा है, जबकि जो लापरवाही बरत रहे हैं और देरी से विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं उन्हें भर्ती होने की नौबत आ रही है। जिले में स्थिति को बिगाड़ने के लिए एक और जहां लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है, वहीं दूसरी ओर लचर प्रशासनिक व्यवस्था भी है। जिले में 24 घंटे के भीतर 29,053 लोगों की जांच की गई। इनमें 6,956 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे संक्रमित भी बढ़ रहे हैं। इस तरह अब तक जिले में कुल 3,15,999 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। एक तरफ प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुविधा का अभाव है तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही, इन तमाम बातों का कैसे निपटारा कर सकते, आइए देखते हैं शहर की डॉक्टर की राय। वुहान से आए कोरोना ने सबको झकझोर के रख दिया। अभी से कोरोना से कई लोगों की मृत्यु होगी, हजारों से ज़्यादा के रोजाना शहर में लोगों की मृत्यु हो रही है। शहर के कई शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए दिखाई देते हैं, जहां भी देखे जाए वहां आँख की लपटों से ज्वालाएं दिखाई देती है। ऐसे में कोरोना को लेकर लोगों के मन में एक संभ्रम और एक डर की स्थिति भी बनी हुई है। आखिरकार कोरोना से इतनी डरने की जरूरत क्या है और क्या है ये कोरोना, ये तमाम बातें की तरफ जानने के लिए इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर सुरेश चांडक है और दो डॉक्टर की कुछ तज्ञ टीम भी है, आइए उनके और रुख करते उनसे जानना चाहेंगे। सुरेश जी, ये बताएं कि कोरोना से आखिरकार लोग डरते क्यों है, कोरोना से निजात पाने के लिए या उसे दो हाथ करने के लिए लोगों ने किस प्रकार की प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इस चेन को तोड़ने के लिए क्या कहना चाहोगे आप? परिस्थिति ऐसी कर दिया लोगों को कि डर सा महसूस होने लग गया उसमें, लेकिन डर से निकलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। दो चीज़ इसमें बराबर है, इसमें या तो आप हरदम के लिए मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए और सैनिटाइजर से वॉश करते रहिए, जिसमें अपने को बचाव हो सकता है। बचाव खुद को करना है, अपन खुद को यदि बचाव करेंगे तो सामने वाले का बचाव कर सकते हैं अपन। उसके लिए बिल्कुल ज़िंदगी आगे के बढ़ने के हिसाब से अपने को डरने से बचा। यदि आप पॉजिटिव निगेटिविटी मत रखिए, पॉजिटिविटी रखेंगे से क्या होगा, पॉजिटिविटी रखने से क्या होगा कि अपनी एंटीबॉडी भी तैयार होती है, आपके मुस्कुराना चाहिए, आपके वेट से सब चीज़ें ऐसा हो कि अपने बॉडी अपने शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो सकती है। इसलिए अपने को एंटीबॉडी तैयार करने के लिए अपने को पॉजिटिविटी रखिए, डर निकालिए, अपने को बाहर मत निकलिए ज़्यादा, जब जरूरत है वहीं निकलिए, जहाँ जरूरत है वहाँ अपना काम कीजिए, लेकिन डर निकालना बहुत जरूरी है अपने मन में, इसी से जो कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है, और भी एक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप दिन रात कोरोना पेशेंट का जो काम का संभालते हो, अच्छे से उनका इलाज करवा रहे हो, क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब, किस प्रकार के आपको अनुभव आते हैं और कितने प्रिकॉशन लोगों ने रखना चाहिए? अनुभव की तो जो आप बात कह रहे हैं कि लोग बहुत डरे हुए हैं, और डरे रहना स्वाभाविक भी है क्योंकि कोरोना जो एक महामारी के तौर पर है, लेकिन अगर इस महामारी के बारे में अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसका अगर हम ध्यान दें तो ये महामारी कम हो सकती है और कोरोना पर इस जंग में जीत हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मास्क का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हैंड सैनिटाइजेशन करना, और सबसे बात है कि पॉजिटिविटी रहना, क्योंकि जो हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है, ऐसा साइंस कहता है। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स रहेंगे, हमें पॉजिटिव न्यूज़ को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम रोज़ देख रहे हैं कि इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि उतने ही लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो अगर हम सब पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि हम कोरोना की इस जंग में बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज़ लेने से कोरोना के जंग पर हम जीत हासिल कर पाएंगे, हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना है।
हर चीज को, ऐसा नहीं है कि कोई एक दवाई है और वो रामबाण का काम कर जाएगी। रेमडेसिविर की जैसी बात करते हैं या और भी चीज़ की बात करते हैं या प्लाज्मा की भी जब बात करते हैं, ये सब चीज़ें अपना योगदान देता है, लेकिन ये योगदान देने के साथ अगर हम स्वस्थ रहे, हम पॉजिटिव रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस जंग में हम जीत जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल, दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन इस देश की जनता अगर पूरी तरह से एक हर सबने मिलजुल के अगर साथ दिया और कोरोना चेन को यदि तोड़ना है तो सबने नियमों का पालन किया, तो यकीनन कोरोना को इस विश्व से दूर कर सकते हैं, बशर्ते कुछ करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जैसे कि बताया कि कोरोना से निजात पाना है तो हम सब लोगों ने नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है, तब कहीं कोरोना को दूर करना कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना ये वो दुश्मन है जिसको गले लगाया नहीं जा सकता, बल्कि उसको दूर ही किया जा सकता है। इसके लिए शहरवासियों ने अलर्ट रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए और कोरोना की चेन रोकने के लिए पूरे आदेश पर अमल करना चाहिए, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन मीनाज खान के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।